हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंस्टेंट पोहा स्नैक्स बताऊंगी। रेडी है आप लोग? चलिए हम आज आपको इंस्टेंट पोहा स्नैक्स बताते हैं। तो मैंने इसमें जो दिखा रही हूँ क्वांटिटी, एक ही या दो के लिए काफ़ी है। तो मैंने एक बड़ा करछी पोहा लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह छान लिया है। ये देखो, इसको अच्छी तरह छान लेने के बाद एक पतीले में आप रखिए। और ये जो है गुनगुना पानी, इसमें एक चम्मच नमक मिलाया है और एक चम्मच के करीब यही जो नमक वाला पानी है, इसको मैं पोहे में मिला रही हूँ। अगर आपको लगे कि हाँ थोड़ा ज़रूरत है, थोड़ा और इसमें डाल दीजिएगा। मैंने इसमें और आधा चम्मच मिलाई हूँ और इसको अच्छी तरह पूरे पोहे के साथ मिला लिया है। ज़्यादा भिगोना नहीं है। अब मैंने कढ़ाई में एक चम्मच के करीब पोहा इस तेल में डाला है। ये मैंने एक छन्नी में इसलिए लिया है कि तेल ख़राब ना हो, और छन्नी में भी अच्छी तरह, ये हम लोग जब इसको फ्राई करते हैं ना, फिर छन्नी से अच्छी तरह छान लेना है ताकि सारे जो एक्सेस तेल है वो निकल जाए। और आप चाहे, मैंने दोबारा इसको फ्राई करके दिखा रही हूँ, आप चाहे तो टिश्यू पेपर में भी बाद में इसको फैला सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर पफ जैसे हो गया है। चलिए अब हम मूंगफली को भी तल लेते हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी मूंगफली ली है, और मूंगफली आप जब फ्राई करें तो धीरे धीरे छन्नी को हिलाते रहिए ताकि चारों तरफ से मूंगफली अच्छी तरह फ्राई हो जाए, भुन जाए। मूंगफली को ज़्यादा फ्राई मत करो, काला नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें हल्का हल्का लाल सा हो रहा है। बस अभी टाइम है इसको उतार कर अब हम पोहा से के साथ मिला लेते हैं। वाओ, अब मैंने पापड़ भी तल लिए हैं। पापड़ को भी हाथों से इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें मिला लीजिए, और चम्मच के सहारे इसको मिला लीजिए। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च और प्याज भी डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। अगर आपको अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।